आज हम बात करेंगे कौन कौन सी ट्रीटमेंट है कि जो मेल चूज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। तो आज हमने आइडेंटिफाई किया कि मेल कौन कौन सी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इधर खुद और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। इसके बाद का जो पॉइंट होता है वो मेडिफेशियल, जो मेल पेशेंट होता है ना वो मिनिमम डाउन टाइम वाली प्रोसेस ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें मेडिफेशियल में जो होता है मेडिकेटेड जो फेशियल होता है, इसमें स्किन पॉलिशिंग भी आ गई, पील्स भी आ गया, ऑक्सी फेशियल जो बोलते हैं, हाइड्रा फेशियल बोलते हैं, इसे मिरेकल वेव्स बोलते हैं, इसमें ऑटो फेशियल बोलते हैं। जो 8-10 प्रोसीजर डिफरेंट आती है कि 1 घंटे 1.5 घंटे की पूरी प्रोसीजर है, तो वो इससे मेडिफेशियल बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी फेस मास्क आता है, इसमें स्क्रब भी आता है, इसमें क्लिंजर भी आता है, काफ़ी चीज आती है। और ये मन से मन करते हैं, 12 सेशन का पूरी प्रोसीजर, फिर जब आप लगे कोई फंक्शन है इसके 1-2 दिन पहले आके करवा के चले जाते हैं। मेडिफेशियल में कोई डाउन टाइम नहीं है, और सखिया स्किन क्लिनिक में हमने स्पेसिफिक डिज़ाइन किया है कि हम इसको 12 सेशन का एक पैकेज देते हैं। तो ये वन से मंथ, इसमें कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा काउंसलर को मिलके ट्रीटमेंट करके फिर निकल जाने का। इसके बाद जो आती है जो लाइन, अभी हमारे पास काफी अब मॉडल देखो, इसको जो लाइन एकदम शार्प होती है। यंग जो लोग होता है लेस देन 35 का अभी लेग्जिटी नहीं आता है, परंतु कभी कभी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, बैठने का काम ज्यादा होता है, तो क्या ये जो लाइन अर्लीस्ट जो एजिंग होती है ना, एक तो यह क्रॉस फिट नेजोलिबियल फोल्ड, और तीसरा होता है जो लाइन डिसअपीयर होना। तो ये जो लाइन अभी दो चीज से बनती है, एक फिलर की मदद से और दूसरा हाइफू, हाई इंटेंस फोकल अल्ट्रासाउंड। फिलर की मदद से आप इसको पूरी जो लाइन क्रिएट कर सकते हो अभी। हाँ, इसमें सिरिंज ज्यादा चाहिए, 8 से 10 सिरिंज चाहिए, एक साइड में 4-5 सिरिंज, दूसरी साइड में 4-5 सिरिंज। बाकी लेस पॉपुलर है वो थ्रेड से भी होता है, थ्रेड लिफ्टिंग बोलते हैं, इससे भी होता है, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इससे भी हो सकता है, मिनी सर्जरी जो बोलते हैं, मिनी फेस लिफ्टिंग बोलते हैं, इससे भी हो सकता है। परंतु पॉपुलर जो अभी जो लोग जो लाइन के लिए आते हैं, इधर बोटॉक्स, तो ये मैसेटर बहुत कड़क होता है, तो ये अगर सॉफ्ट कर दिया तो जो लाइन सीधा लिफ्ट हो जाता है। दूसरा फिलर, फिर थ्रेड होता है, और बाकी हाइफू और रेडियो फ्रिक्वेंसी, मीन्स डिपेंड आपका बजट कितना है और आपको कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, ये तय करके फिर आपको जो लाइन साफ कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है जेंट्स पेशेंट आता है, एक्ने होता है, पिंपल्स के लिए ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड, पस वाला पिंपल, सिस्टिक गांठ वाला पिंपल्स होता है, किसी को चेस्ट में होता है, किसी को बैक में होता है, पिंपल्स का स्कार के लिए भी आता है, कोई दूसरा सर्जिकल चिकन पॉक्स का स्कार जो होता है, इसके लिए मेल पेशेंट आते हैं। और इसका काफ़ी अलग अलग ट्रीटमेंट सॉल्यूशन होता है, वो डिपेंड्स डर्मेटोलॉजिस्ट को रीजन आइडेंटिफाई करके कौन कौन सा पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है, परंतु हर एक का सॉल्यूशन ज़रूर है। अभी जो इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है, वैसे आपको आश्चर्य होगा क्योंकि मेल लिप फिलर के लिए कभी नहीं आते थे, अभी किसेबल लिप के लिए भी आते हैं, क्योंकि उसका बल होना चाहिए, कभी किसी का लोअर लिप छोटा होता है, अपर लिप बड़ा होता है, किसी का उल्टा होता है, एंगल ठीक नहीं होता है, जो बीच में जो प्रोटरेंस होता है वो नहीं होता है, सीधा फ्लैट पतला थ्रोट पतला रहता है। तो मेल पेशेंट जो भी काफ़ी जो फिलर के लिए भी आते हैं, लिप एनहांस के लिए, लिप सेपिंग के लिए। इसके बाद का जो बड़ा टैटू रिमूवल, आजकल के टैटू काफ़ी करवाते हैं, पर शुरू में टैटू पसंद है, बाद में समय जाके टैटू फेड होता है तो पसंद नहीं होता है तो करवाते हैं। अगर किसी का नाम लिख दिया, एग्जांपल रीना लिख दिया, और रीना की शादी दूसरी जगह पे हो गई, तो फिर कंपलसरी ये टैटू निकालना पड़ता है। तो टैटू रिमूवल में सिंगल कलर होता है तो कम सेशन लगता है, मल्टीपल कलर होता है तो इसमें ज़्यादा सेशन लगता है। कभी हम सर्जरी से भी निकाल देते, कोई बोले कि हमें मिलिट्री में, आर्मी में जाए, आर्मी में टैटू प्रोहिबिटेड है, कोई बोले कि तुरंत मुझे आर्मी में जाना था, मैं इसको स्किन निकाल के ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इसके बाद जो टैटू नेक के लिए, नेक पूरा निग्लेक्टेड पार्ट है, क्योंकि फेस में लोग क्रीम लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते, नेक का नहीं करते। तो जेंट्स में काफ़ी लोगों को नेक लेग्जिटी हो जाती है, नेक लूज हो जाती है, क्योंकि नेक में कोई नई मॉइस्चराइजिंग लगाते हैं, ना सनस्क्रीन कुछ नहीं लगाते, तो नेक में लेग्जिटी आती है। तो नेक के लिए भी फिलर है, बोटॉक्स है, जो प्रैक्टिस में जो बैंड बनता है ना, किसी को बैंड बनता है, लूज होता है, इसके लिए हाइफू और रेडियो फ्रिक्वेंसी आता है। इसके बाद जो होता है चिन सेपिंग होता है, किसी को चिन अंदर होता है इसके, या ये अंदर डेवलप ही नहीं हुआ, तो चिन फिलर की मदद से ये बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा इम्प्लांट भी आता है, जैसे इम्प्लांट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए जो इम्प्लांट आता है, सिमिलर इम्प्लांट या अंदर डाल देते हैं। टॉपिक है वो हाइपरहाइड्रोसिस, क्योंकि जेंट्स को किसी को यहाँ पसीना, फोरहेड में पसीना बहुत आता है, खाने के बाद पसीना होता है, अंडर आर्म में पसीना होता है, कि शर्ट पूरा डिसकलर हो जाता है और वहाँ स्मेल भी ठीक आती ही नहीं, किसी को ग्रोइन एरिया में भी बहुत पसीना होता है। तो इसमें जो हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, इसका बोटॉक्स इंजेक्शन आता है
और वो इंजेक्शन की मदद से आपको 6 महीने में वो रिपीट करना पड़ता है, डिपेंड किसी को 4 to 6 months इफेक्ट रहती है और हर साल में 1 or 2 times करवाना पड़ता है। और बार बार वो जगह अगर हेयर है तो अगर हेयर रिमूवल आपने कर दिया तो भी आपका पसीना की जो सीवियरिटी होती है धीरे धीरे कम होते है। आइदर बोटोक्स और हेयर रिमूवल आपको हेल्प करेगा। इसके जो बात का जो टॉपिक है, अभी हमारे पास काफ़ी पेशेंट आता है पेनिस एनलार्जमेंट, किसी का जो वैसे होता नहीं है साइज परंतु पद से ऐसा कहता है मेरा पेनिस छोटा है, जो गुप्त अंग बोलते हैं, तो इसमें फिलर भी आता है और इसमें इसका फैट लेके हम अंदर डाल देते हैं तो इसको फैट ट्रांसफर भी बोलते हैं और ये हम कर सकते हैं, तो ये अभी पॉसिबल है। इसके बाद जो टॉपिक आता है, अभी जैसे लेडीज तो काफ़ी लोग डिम्पल क्रिएशन कराते पर मेल भी अभी काफ़ी लोग डिम्पल बनाने के आए थे। यूजली फीमेल दोनों साइड बनाते हैं, मेल हमें देखे काफ़ी जॉन अब्राहम का देख के कि भाई ऐसा हमें जब स्माइल करे डिम्पल होना चाहिए, तो ये डिम्पल भी पॉसिबल है। नैनो फैट ट्रांसफर, अभी का जो टॉपिक है नैनो फैट ट्रांसफर, जो एब्डोमन से सिरिंज से फैट लिया उसको सेंट्रीफ्यूज करके फिर वो जो एक्नेस कार है और कोई जगह पे आपका अंदर चला गया, कोई भी जगह ऐसी कि जहाँ टिश्यू लॉस है वहाँ नैनो फैट से कर सके, इवन नैनो फैट ऑफ द फेस ग्लो के लिए भी आप कर सकते हैं। तो अभी पॉपुलर ट्रीटमेंट है नैनो फैट ट्रांसफर, मीन्स खुद की फैट लेके जो भी एरिया में डालना, फेस में मेजोरिटी वो ग्लो के लिए डालते हैं, तो काफ़ी जगह पे इवन लिप में भी डाल सकते हैं, नेजोलेबियल फोल्ड में भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल, इवन कभी जेंट्स का यहाँ हाथ एकदम नस देखने लगती है तो यहाँ भी नैनो फैट ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि ये डेली केयर, यूजुअली जेंट्स होता है वो डेली केयर में निगलेक्ट होता है, इसको फेस वॉश यूजुअली यूज़ नहीं करते, इसको सनस्क्रीन कम यूज़ करते हैं, डे क्रीम नाइट क्रीम, तो ये मैं जेंट्स को खास जो आग्रह करता हूँ कि आपको फेस वॉश दिन में 2 to 3 times होना चाहिए, डिपेंड आपकी स्किन कौन सी ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सीजनल है, सेंसिटिव है, डिपेंड आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलके आपको फेस वॉश, डे क्रीम, आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंग टू आपका रूट कॉज तो पिगमेंटेशन का क्रीम यूज़ करना, पिंपल है सो ऑयल कंट्रोल का यूज़ करना, रात को आपको एंटी एजिंग है रिपेयर का क्रीम जो रेटिनल बेस है पेप्टाइड बेस है इसका क्रीम यूज़ करना जरूर है। सनस्क्रीन भी यूजुअली आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना जिसका SPF 50+ होता है। तो ये सब चीज़ जेंट्स के लिए, फिर भी आपको कोई डाउट है कोई आपको पूछना है तो सख्या स्किन क्लिनिक की हमारी 21 ब्रांच है गुजरात भर में, बॉम्बे में भी है, और हमारे टोल फ्री नंबर में आप जरूर फोन करिए, आपको सेटिस्फेक्शन आंसर जरूर मिलेगा। आशा रखता हूँ सब जेंट्स को और जेंट्स की मिसिस को, सिस्टर को, मदर को भी ये टॉपिक अच्छा लगे, और ऐसा लगे तो आप सबको ये टॉपिक फॉरवर्ड कर देना तो उसको भी अच्छा लगेगा और उसके नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।